afternoon students, today we are going to discuss exercises of chapter number 13, Mumbai, the commercial capital of India. So, your first exercise is, do you know? क्या आप जानते हैं? First is, the famous Indian cricketer, Sachin Tendulkar is a Mumbai का. Means, जो famous Indian cricketer हैं, Sachin Tendulkar, वो कहाँ के हैं? मुंबई के हैं और मुंबई कार है, मतलब मुंबई के जो लोग होते हैं उन्हें मुंबई कार कहते हैं. तो सचिन तेंदुलकर मुंबई से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट इज, मुंबई इज़ ऑफन रिफर्ड एज अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स. और मुंबई को वो सिटी कहा जाता है जो कभी सोती नहीं है. नोबेल लॉरेट रुडयार्ड किपलिंग हु रोट किम एंड द जंगल बुक वॉज बॉर्न इन मुंबई. अब नोबेल लॉरेट रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने किम और जंगल बुक लिखी थी वो भी मुंबई में बॉर्न हुए थे, इनका जन्म हुआ था. नाउ लेट्स रिकॉल, अब हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसको रिकॉल करेंगे. मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई जो है क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है. मुंबई इज़ द कमर्शियल कैपिटल एंड द रिचेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. और मुंबई क्या है? इंडिया की कमर्शियल कैपिटल है और सबसे रिचेस्ट सिटी है, मीन्स अमीर सिटी है. मुंबई हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट. और यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट होता है, मतलब एवरेज होता है, ना ज़्यादा ना कम. नेक्स्ट इज़, मुंबई अट्रैक्ट्स मैनी विजिटर्स एवरी डे. मुंबई जो है बहुत सारे लोगों को आकर्षित करती है यहाँ रोज़ आने के लिए. नेक्स्ट इज़, गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट टू मार्क द विजिट ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज फाइव टू इंडिया इन 1911. और गेटवे ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि गेटवे ऑफ इंडिया किस लिए बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश मोनार्क हैं, ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज फाइव जो हैं, वो इंडिया आए थे 1911 में. नाउ वी विल फिल बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ए इज़, कम्प्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट. आपको ये वेब चार्ट कम्प्लीट करना है. मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन मुंबई. आपको बताना है कि कौन सी मेजर भाषाएं हैं जो कि मुंबई में लोग बोलते हैं. सो फर्स्ट इज मराठी, नेक्स्ट इज हिंदी एंड नेक्स्ट इज कोंकणी. दीज थ्री लैंग्वेजेस आर द मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन मुंबई. ठीक है, मराठी, हिंदी एंड कोंकणी. नाउ टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर फिल करना है. डैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन मुंबई. अब सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है मुंबई का? ओनम, गणेश चतुर्थी, पोंगल. सो राइट आंसर इज गणेश चतुर्थी. ओके, गणेश चतुर्थी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है मुंबई का. नेक्स्ट इज, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ. मुंबई कहाँ की राजधानी है? कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर. मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज़ अ फेमस बीच इन मुंबई. अब मुंबई का फेमस बीच कौन सा है? मरीना बीच, जुहू बीच, कोवालम बीच. सो द राइट आंसर इज़ जुहू बीच. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया वॉज बिटवीन मुंबई एंड डैश. अब पहली रेलवे सर्विस जो थी इंडिया की वो किसके बीच थी? मुंबई और पुणे, कोलकाता, थाने. सो द राइट आंसर इज़ थाने. ठीक है, पहली रेलवे सर्विस जो थी इंडिया की वो मुंबई और थाने के बीच में दी गई थी. नेक्स्ट इज़, मुंबईज़ फिल्म इंडस्ट्री इज़ नोन एज. मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? हॉलीवुड, टॉलीवुड और बॉलीवुड. सो द राइट आंसर इज़ बॉलीवुड. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन, मुंबई इज नोन एज द डैश ऑफ इंडिया. मुंबई को क्या कहा जाता है इंडिया का? कमर्शियल कैपिटल. आंसर विल बी कमर्शियल कैपिटल. मुंबई इज नोन एज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एयरपोर्ट इन मुंबई इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया. कौन सा एयरपोर्ट जो है मुंबई का वो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का? सो द आंसर इज छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वॉज अर्लियर नोन एज. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है उसे पहले क्या कहते थे?
विक्टोरिया टर्मिनस? आंसर विल बी विक्टोरिया टर्मिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई वॉज अर्लियर कॉल्ड, मुंबई को पहले क्या कहते थे? बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू नेम ऑफ विक्टोरिया गार्डन इज? जीजा माता उद्यान। नया नाम जो विक्टोरिया गार्डन का है वो क्या है? जीजा माता उद्यान, जो कि रानी जीजा माता का नाम था। स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। थैंक यू।